आज हम लोग पावर एंड इंडेक्स चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो अपलोड किया है, जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। और इससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है 3 का पावर x - y इज इक्वल टू 27, और एक साइड में दिया गया है 3 का पावर x + y इज इक्वल टू 243। तो देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, x का मान पूछा गया है, तो दोनों को एक ही बेस कर लेंगे। ये 3 का पावर में है, 3 का पावर x - y है इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का x - y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 3 का पावर x + y है इज इक्वल टू 243, और 243 जो है 3 का पावर 5 होता है। और देखिए ये दोनों 3 कट गया, तो बचेगा x + y इज इक्वल टू 5। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये x - y इज इक्वल टू 3 है और x + y इज इक्वल टू 5 है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x - y इज इक्वल टू 3 और इसको x + y इज इक्वल टू 5। अब x का वैल्यू पूछा गया, देखिए y कट जा रहा है, तो 2x इज इक्वल टू 8, 5 और 3 8 हुआ। अब x इज इक्वल टू 8/2 मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड चल गया, अब 2 का टेबल में ये 4 बार में, तो x इज इक्वल टू 4, और यही पूछा गया था x का वैल्यू जो कि 4 है। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। ये देखिए ये क्वेश्चन RRB भुवनेश्वर SM3 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2001 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहले उतारते हैं, x⁴ - 4⁻⁴ इज इक्वल टू 24। तो पूछा गया है 2x⁻ हम लोग को पूछा क्या गया, 2x और होल ब्रैकेट में पावर एक्स, ये हम लोग को पूछा गया है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको उतार दिए, और देखिए ये पावर में माइनस में है, तो 1 का पावर m - n है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का पावर m / 1 का पावर n, इसी का फॉर्मूला हो जाता है 1 का पावर m - n। यहाँ से आया ये देखिए 1 का पावर m / 1 का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 का पावर m - n। तो ये दिया गया है, देखिए इसका वैल्यू है 1 का पावर m - n है ये, तो इसको हम लोग 1 का पावर m और n में लिखे। अब आगे इसको हम लोग देखिए, इसमें 4 का पावर x है, इसमें भी 4 का पावर x है, तो कॉमन आ जाएगा 4 का पावर x। अगर ये कॉमन आ गया तो इससे ये देखिए एक बार में कटेगा, फिर माइनस 4 का पावर x 4 का पावर x 1 बार में कटेगा, डिवाइड में ये 4 का पावर 1 बचेगा, 4 का पावर 1 का मतलब 4 इज इक्वल टू 24। अब देखिए यहाँ पे 4 का पावर x इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 4 1 जब 4 और उससे 1 अगर घटाएंगे तो 3/4 होगा, फिर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट से निकला तो मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 24। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 4 का पावर x इज इक्वल टू 24। अब ये इधर जाएगा इक्वल टू के तो ऊपर चल जाएगा, और ये ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए 3 का टेबल में 8 बार में 24। अब देखिए 4 का पावर x इज इक्वल टू 8 4 जा 32 आया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और x है तो 2x हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये दोनों 2 कट जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का 2x इज इक्वल टू 5। हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 5/2। अब क्वेश्चन में पूछा गया था हम लोगों को 2x का पावर x। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 और x, तो 2x का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख देंगे, पावर में x, तो x का वैल्यू 5/2, x का पावर में 5/2। अब जब ऐसा रहता है तो हम लोग को पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 5, और ये जो 2 है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1/2 इसको मानते हैं हम, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 का पावर 5 मतलब क्या, 5 × 5 × 5 ऐसे करके 5 बार लिखेंगे। अब देखिए एक पेयर बना और 2 पेयर बना, एक को 5 बच गया, तो 2 को पेयर बना, तो हम लोग 2 को 5 निकाल देंगे, और एक को जो बच गया उसको रहने देंगे, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 √5, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा,
25√5, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया गया है अंडर रूट एक्स का पावर 6 = 64, तो एक्स का मान पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स का पावर 6 = 64 और ये अंडर रूट अगर हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे एक्स का पावर 6 = देखिए ये 64 जो है 4 का क्यूब होता है और ये पावर में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। अब हम लोगों का हो जाएगा एक्स का पावर 6 = 4 का पावर 3 × 6। अब ये दोनों बेस एक ही है, पावर एक ही है तो कट जाएगा और हम लोगों का बच गया x = 4 और यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये सारा क्वेश्चन आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 256 का पावर 0.16 है या 0.16 है तो हम लोग पॉइंट को देखने के लिए जीरो दे सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 का पावर 256 का पावर 0.09, तो देखिए दोनों बेस इक्वल है तो ये फॉर्मूला में लग जाएगा a का पावर m इंटू a का पावर n। तो इसमें क्या होता है a का पावर m प्लस n, पावर सब क्या होगा मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 0.25, पॉइंट हटेगा तो दो गो है तो दो गो जीरो, तो हम लोग काट सकते हैं। 25 × 25 = 100, तो हम लोगों का आ गया 256 का पावर 1/4। अब देखिए 256 भी टूटेगा, 256 जो होता है ये 4 का पावर 4 हो जाता है, मल्टीप्लाई में पावर चल जाता है, ये मल्टीप्लाई में चल गया, ये 4 का पावर 4 हो गया। अब देखिए दोनों कट जाएगा तो बचेगा हम लोग का 4 का पावर 1 मतलब 4 और यही हम लोगों का आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें दिया गया है a का पावर x = bc, फिर b का पावर y = ca और c का पावर z = ab, ये हम लोगों को दिया गया है और पूछा गया है एक 1/1 + x + 1/1 + y + 1/1 + z, ये पूछा गया है। तो हम लोग इसको पहले तोड़ेंगे, ठीक है, एक एक करके बनाएंगे, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोथ साइड हम लोग लॉग लिख देंगे, बोथ साइड लॉग लिखेंगे तो a का पावर x, फिर इधर भी लॉग bc, बोथ साइड लॉग लिख दिए। अब देखिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे हम फार्मूला पहले लिखते हैं, ठीक है, एक फार्मूला होता है log m का पावर n = log, ये n इधर आ जाएगा nm, ऐसे एक फार्मूला होता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग पुट करेंगे। देखिए ये भी ऐसे ही है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पावर वाला इधर आ जाएगा x log a = log bc, ये दोनों को ब्रैकेट में रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का x = log bc / log a, ये हम लोगों का एक निकल के आ गया। अब उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको भी देखिए वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। इसका क्या हो जाएगा log b का पावर y = log ca होगा। अब इसको हम लोग आगे अगर लिखेंगे इसको तो हम लोग क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग लिखते हैं y = डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा log ca / log b, यही ना होगा। अब आगे देखते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, देखिए log z = log ab, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं z = log ab, इधर है ही, इसको हम लोग इस पार ले जा रहे हैं तो log c ये इसका हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को z का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे y का मिल गया, यहाँ पे x नहीं होगा, ये y है तो y होगा, y z और यहाँ पे x है, देखिए तीनों का मिल गया हम लोगों को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन में था 1 + x, अब क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो देखिए x का वैल्यू तो हम लोग का निकल गया, पुट कर देंगे, y का भी निकल गया यहाँ पुट करेंगे और z का
यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे वन बाई वन प्लस एक्स, तो एक्स के भी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे लॉग बी सी बाय लॉग ए, यही है इसका वैल्यू एक्स का, लिख दिए। फिर प्लस वन बाय वन प्लस वाई, तो वाई का वैल्यू क्या है लॉग सी ए बाय लॉग बी, ठीक है। अब आगे दिया गया है वन बाय वन प्लस जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू देखिए लॉग ए बी बाय लॉग सी, तो वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग ए बी बाय लॉग सी। अब इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन जैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला तो वैसे ही लिखते हैं, और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी सी, यही होगा डिवाइडेड बाय लॉग ए। फिर प्लस यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, लॉग बी से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लॉग बी प्लस लॉग सी ए डिवाइड में लॉग बी। फिर या इसको भी हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाय लॉग लॉग सी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लॉग सी प्लस लॉग ए बी, लॉग ए बी है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और डिवाइड में तो ये रह जाएगा लॉग सी। अब देखिए ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग ए को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में ये टोटल बच गया है, इसको लिख देते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी सी। फिर प्लस इसमें क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लॉग बी बाय लॉग बी प्लस लॉग सी ए प्लस, ये भी ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन नहीं होगा, वन से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लॉग सी है तो लॉग सी हो जाएगा। अब हो जाएगा लॉग ये वाला उतार देंगे लॉग सी प्लस लॉग ए बी। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए बाय, देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी सी जब प्लस के फॉर्म में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यह फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू हो जाता है लॉग एम एन, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है प्लस के फॉर्म में हो तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, ये एक फॉर्मूला है तो उसी में हम लोग इसको पुट करेंगे। ये दोनों जो प्लस में है पावर सब ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों का लॉग ए बी सी लिखेंगे इसको। फिर प्लस ये अगर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे लॉग बी बाय, देखिए ये प्लस के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसको हम लोग लॉग ए बी सी है, लॉग ए बी सी इसमें भी क्या हो जाएगा लॉग सी, और यहाँ पे लॉग ए बी है तो ये भी हो जाएगा लॉग ए बी सी। देखिए प्लस में होगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता है ये, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। आप देखिए तीनों एक ही हो गया तो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा लॉग ए बी सी, यही होगा। अब क्या बचेगा, लॉग ए बचेगा ऊपर वाला, फिर प्लस लॉग बी बचेगा, फिर प्लस लॉग सी बचेगा। अब देखिए ये भी प्लस के फॉर्म में है, ये भी प्लस के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम लोग ए बी सी, ये भी हो जाएगा लॉग ए लॉग बी लॉग बी सी, लॉग ए बी सी बाय लॉग ए बी सी, तो ये दोनों कटेगा तो बचेगा हम लोग का क्या वन, तो यही वन हम लोगों का आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें दिया गया है इसको उतार लेंगे पहले, 5 है फिर अंडर रूट एक्स 3/5 फिर -5/3 और पूरा का ब्रैकेट में 5 है इज इक्वल टू व्हाट, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये पूरा ब्रैकेट में लिख दिए, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स का पावर -3/5 है और ये देखिए अंडर रूट 5 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में 1/5 लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में चल जाता है, फिर यहाँ पे भी पावर में है तो ये भी मल्टीप्लाई में चल जाएगा, पूरा का पावर 5 है।
अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये फाइव अगर काटेंगे हम लोग तो वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में है, क्या हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री, तो एक्स का पावर थ्री वन जा थ्री बाय फाइव थ्री जा फिफ्टीन, यही बचा। अब देखिए ये भी पावर में है तो इसको पावर में हम लोग उतार दे रहे हैं, ये माइनस में है। अब जो बचेगा हम लोगों का, देखिए अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस थ्री बाई फिफ्टीन इंटू फाइव, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, और ये देखिए थ्री से ये थ्री कट जाएगा वन बार में, तो माइनस वन बचेगा, तो एक्स का पावर माइनस नहीं बचेगा, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हट जाएगा, माइनस तो होगा ही नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये एक्स का पावर वन बचेगा, तो एक्स का पावर वन मीन्स एक्स, और यही हम लोगों का आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है टू का पावर माइनस टू बाई टू, उतार लिए क्वेश्चन। अब देखिए इसका पावर में है तो टू का पावर टू हो जाएगा फोर, और माइनस का पावर प्लस में हो जाएगा, ये मतलब टू का पावर फोर हो जाएगा ये, तो टू का पावर फोर इक्वल टू सिक्सटीन होता है। देखिए माइनस टू का पावर टू, इसका मतलब क्या है, माइनस टू इंटू माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू और टू फोर, यही यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है 1.125 मल्टीप्लाई 10 का पावर के इज इक्वल टू 0.001125, और पूछा गया है के का मान निकालिए, तो के का मान देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं 10 का पावर के इज इक्वल टू 0.001125 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में है इधर आया तो डिवाइड हो गया 1.125, इधर आया तो डिवाइड में चल गया। अब देखिए पॉइंट हटेगा, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, तो मल्टीप्लाई देखिए छः को जीरो, फिर इसमें भी पॉइंट हटेगा तो तीन को है, तो मल्टीप्लाई देखिए वन देखे तीन जीरो। अब देखिए ये थ्री जीरो कट गया, ये पूरा वन बार में कट गया, बचेगा क्या, वन बाई थाउजेंड, फोर सिक्स जीरो होगा, यहाँ पे फाइव ही को जीरो दिए थे और एक को जीरो होगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे टेन का पावर के, उतारें इसको, और इधर बचा हम लोग का वन बाय थाउजेंड। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग टेन का पावर के इज इक्वल टू वन बाय थाउजेंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन बाय टेन का पावर ये थ्री होगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, टेन का पावर के इज इक्वल टू वन बाय के फॉर्म में जब रहे तो इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जा रहा है। अब देखिए दोनों बेस एक ही है, काट देंगे हम लोग, के इज इक्वल टू माइनस थ्री, और यही हम लोगों का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया गया है फोर का पावर टू एक्स इज इक्वल टू वन बाई थर्टी टू, और एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि बेस इक्वल करेंगे, जैसे ये फोर है इसको हम लोग टू में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू का पावर टू फोर होता है, और पूरा पावर में लिखेंगे टू एक्स इज इक्वल टू वन बाई, ये देखिए 32 जो है ये 2 का पावर 5 होता है। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का पावर, देखिए ये मल्टीप्लाई में चल जाता है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जा 4x होगा इज इक्वल टू 1 बाय 2 का पावर 5। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 4x इज इक्वल टू, ये देखिए 1 बाय के फॉर्म में है, इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं, अगर माइनस में लिखेंगे तो ये हट जाता है। अब देखिए बेस एक ही है तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का 4x इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर, मल्टीप्लाई में है इधर आया डिवाइड में हो गया, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें दिया गया है 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16, तो x का मान निकालें, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का पावर x माइनस, देखिए ये माइनस के फॉर्म में है, a का पावर m माइनस n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m बाई a का पावर n, a का पावर m बाई a का पावर n इज इक्वल टू होता है a का पावर m माइनस n इज इक्वल टू 16। अब देखिए माइनस में रहता है तो डिवाइड के फॉर्म में आता है, डायरेक्टली याद रखिएगा, देखिए दोनों में पावर में x है, इसमें भी 2 का पावर x है, इसमें भी 2 का पावर x है, 2 का पावर x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1, फिर माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये दोनों कटेगा तो बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 1, 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 16।
अब हम लोग लिखेंगे 2 का पावर x मल्टीप्लाई में, देखिए ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई में निकलेगा, तो 2 1 2 और -1 तो 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 16। अब हम लोग लिखेंगे 2 का पावर x इज इक्वल टू 16, ये मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम समझाने के लिए लिख दिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर x इज इक्वल टू 16, 2 जा 32। अब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 5 में ये कन्वर्ट होगा, तो 2 का पावर 5 ये और ये कटेगा, तो बचेगा हम लोगों का x इज इक्वल टू 5 और यही हम लोगों का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें दिया गया है x प्लस 1/y इज इक्वल पावर में दिया गया है, ये दिया गया है, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई और ये ऐड होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस 1 है तो 1, इसको इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो मल्टीप्लाई किए और ऐड किए, डिवाइडेड बाई वाई का पावर में ए है तो ए लिखे, फिर ब्रैकेट में देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई, एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई, इसका पावर में बी है तो बी लिखे, डिवाइड में है देखिए वैसे ही है, एक्स वाई होगा ये प्लस 1, एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स इज पावर में ए है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स पावर में बी है। अब देखिए इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दोनों में पावर में है तो हम लोग इसको टोटल इसका भी पावर लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे एक्स वाई प्लस 1 का पावर ए बाय वाई का पावर ए, वाई का पावर में ए, दोनों के साथ लिख दिए ये, लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, फिर मल्टीप्लाई में है ये, ब्रैकेट से निकलेगा मल्टीप्लाई, अब ये एक्स माइनस सॉरी एक्स वाई माइनस 1 का पावर बी डिवाइडेड बाय वाई का पावर बी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। देखिए इसको ब्रैकेट में नहीं भी रख सकते हैं, ये सब को हम लिख दिए, अब ये वाला नीचे वाला भी वैसे ही होगा, डिवाइडेड में नीचे वाला भी हम लोग वैसे ही करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू होगा। अब देखिए इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे एक्स वाई प्लस 1 का पावर ए डिवाइडेड एक्स का पावर ए, दोनों में पावर दे देंगे, फिर मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 1 का पावर बी और ये डिवाइडेड में एक्स का पावर बी। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये ऐसे लिखेंगे एक्स वाई प्लस 1 का पावर ए, फिर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं एक्स वाई माइनस 1 का पावर बी। अब देखिए ये बेस एक ही है और मल्टीप्लाई में है, वाई का पावर ए और वाई का पावर बी, तो ये ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन में आ जाएगा, सॉरी ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन में आ जाएगा, ये फार्मूला में हम लोग तोड़ देंगे, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, तो हो जाता है ए का पावर एम प्लस एन, पावर ऐड होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहने पर, देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बेस एक ही है, बेस एक ही है, पावर ऐड कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वाई का पावर ए प्लस बी। अब उसी तरीके से नीचे वाला भी हम लोग लिखेंगे, ये पूरा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे एक्स वाई प्लस 1 का पावर ए इंटू एक्स वाई माइनस 1 का पावर बी, ये दोनों लिख दिए मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाय देखिए इसमें भी बेस एक ही है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो पावर ऐड हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको पूरा उतारते हैं एक्स वाई प्लस 1 का पावर ए इंटू एक्स वाई माइनस 1 का पावर बी और डिवाइडेड में क्या है वाई का पावर ए प्लस बी, यही है, इसको उतार दिए और ये बड़ा जो डिवाइडेड है इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें तो ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो ऊपर में लिख देते हैं एक्स का पावर ए प्लस बी और डिवाइडेड में ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 का पावर ए इंटू एक्स वाई माइनस 1 का पावर बी, जब डिवाइड के फॉर्म में हो इसको हम लोग मल्टीप्लाई लिखे तो ये पलट गया, नीचे वाला ऊपर चल गया ऊपर वाला नीचे आ गया। अब देखिए ये दोनों एक ही है, ये
और ये देखिए एक ही जैसा है, एक्स वाई प्लस वन का पावर ए, देखिए इसमें भी एक्स प्लस वाई का पावर ए ये मिल जा रहा है, दोनों एक ही है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का ये बचा, तो इसको लिखेंगे एक्स का पावर ए प्लस बी और बचा यहाँ पे वाई का पावर ए प्लस बी। अब इसको हम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई दोनों का पावर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे एक्स प्लस ये एक्स बाई वाई का पावर ए प्लस बी, दोनों में पावर ए प्लस बी है तो एक बार लिख दिए और यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 22 देखते हैं, इसमें दिया गया है 16 का पावर 0.36 और मल्टीप्लाई 256 का पावर 0.07, तो हम लोग क्या करेंगे बेस इक्वल कर लेंगे, तो ये 16 ही रहने देते हैं और ये देखिए 16 का पावर 2 अगर करते हैं तो इतना होता है, 16 का स्क्वायर होता है ये मल्टीप्लाई 0.07। अब देखिए बेस इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं पावर को ऐड करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.36 प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा 27 जा 14, तो ये हो जाएगा 0.14, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब 16 का पावर ये दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 0.50। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 है तो 2 0 और ये पूरा पावर में है, ठीक है। अब ये काटेंगे 51 जा 50, 52 जा 100, तो हम लोग लिख सकते हैं 16 का पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट 16, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 4 का हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो इसको देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये 4 का स्क्वायर होता है और मल्टीप्लाई में 1/2 है, ये कटेगा तो भी हम लोगों का 4 ही आएगा, या तो ऐसे करेंगे या तो ऐसे करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है ए का पावर एम डिवाइड ए का पावर एन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए का पावर एम बाय ए का पावर एन, और ये तो एक फार्मूला पूछा गया है, इसका फार्मूला हम बताए थे ए का पावर एम माइनस एन, डिवाइड के फॉर्म में हो तो माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हम लोगों का हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 24 दिया गया है ए का पावर जीरो का मान, तो देखिए ए का पावर जीरो इक्वल टू वन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब ये है किसी का पावर अगर जीरो हो तो वन, 4 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 होगा तो भी 1 होगा, कितना भी का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, चाहे कुछ भी हो, y का पावर 0 भी 1 होगा, कितना भी का भी पावर दिया जाए 1 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 देखते हैं, इसमें दिया गया है 0.32 का पावर 0.6 क्वेश्चन उतार लिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32, देखिए पॉइंट को अगर हटाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो एक देखिए 1 2 3 4 5 0, तो इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं और यहाँ पे देखिए 0.6 है, तो ये भी पॉइंट अगर हटाएंगे तो हो जाएगा 10 6/10 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको काटेंगे 2 3 6 2 5 10 3/5। अब इतना हो गया, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 32 जो होता है 2 का पावर 5 होता है और ये देखिए 10 का पावर 5 लिख सकते हैं, 50 है 10 का पावर 5, इतना का पावर 3/5। अब इसमें दोनों में बेस एक ही है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 2/10 का पावर 5, 2/10 का पावर 5, दोनों में पावर में है 5 तो एक ही वो पावर 5 लिखें, फिर मल्टीप्लाई में इतना चल जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का 2/10 का पावर 3। अब देखिए 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा और 10 का पावर 3 का मतलब 1000। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.008, इसे इसको डिवाइड कर दिए तो इतना आएगा और यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, 16 का पावर 0.16 और मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36, देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट करिएगा आंसर। तो ये वीडियो जिसको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।